क्या आपको डर लगता है किसी लड़की को प्रपोज करने में, कहीं वह आपको रिजेक्ट ना कर दे, या आप डरते हो कि कहीं दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए? तो ऐसा क्या किया जाए कि आपको प्रपोज ना करना पड़े, लड़की खुद ही आपसे अपने दिल की बात बोल दे? आज मैं जो आपको बताऊंगा इनमें दो चीज़ें होगी। पहले तो आप लड़की को प्रपोज कर सकते हो, वह आपको ना नहीं कह पाएगी। और दूसरी चीज़ कि लड़की आपको प्रपोज करेगी, लेकिन उसके लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करना होगा। देखो, जनरली होता क्या है, लड़के लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, लड़की के सामने शो ऑफ करते हैं, खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ बंदे तो लड़की की तारीफ करते नहीं थकते, लड़की को ऐसा स्पेशल फील कराते हैं जैसे लड़की के हाँ करते ही दुनिया को बताना है मैंने लड़की पटा ली है, मानो कुछ साबित कर रहे हो कि मैं भी लड़की पटा सकता हूँ। आप खुद सोचो, अगर लड़की लड़के को पसंद नहीं करती तो क्या वो हाँ कहेगी? लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं होते जो ओवर स्मार्ट हरकतें करते फिरे। देखो, लड़कियाँ लड़कों को नेचुरली पसंद करती है, हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, लेकिन लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में लड़की को कंफ्यूज कर देते हैं और वो भाग जाती है। लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करना, बी नेचुरल यार। देखो, लड़की आपसे इम्प्रेस ना होती तो आपसे बात नहीं करती, सो उसे इम्प्रेस करना बंद करो। उसके साथ ऐसे रहो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। एज अ शिकारी एटीट्यूड, लड़के को कभी लड़की को प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, उल्टा लड़की को ये लगना चाहिए कि ये मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रहा, मुझ में कोई कमी तो नहीं। पूरे खेल में तुम्हें पेशेंस बनाए रखना होगा। एक बात ध्यान देने वाली है, लड़कियाँ पहली बार सभी लड़के को ना कहती है। अपने दिमाग में ये बात रखना, आप जिस दिन लड़की को प्रपोज करने वाले हो, अगर आपने उस दिन प्रपोज नहीं किया तो उसके दो दिन बाद लड़की आपको प्रपोज करेगी। जब आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि लड़की आपको प्रपोज करने ही वाली है, तो आप उसके तरफ से रिलैक्स हो जाओगे, जिससे आपके बिहेवियर में ज़बरदस्त चेंजेस आएगा। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, आपके एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, आपके पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा, आपका डर कॉन्फिडेंस से बदल जाएगा। लड़की जब तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी तो वो अपने बारे में बताएगी। तुम उसकी बातें ध्यान से सुनना, तुम उसके बारे में पूछ भी सकते हो और अपने बारे में बता भी सकते हो, इससे वो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी और यही सिलसिला जल्द ही प्यार में बदल जाएगा। देखो, जब लड़की को प्यार होता है तो वो चुप चुप हो जाती है, वो पहले जैसी बात नहीं करती, पहले जैसी मस्ती नहीं करती, हो सकता है वो तुम्हें इग्नोर भी करे। देखो, ये ऐसा सिचुएशन होता है जब लड़की आखिरी बार तसल्ली करना चाहती है कि तुम उसके लिए सही लड़के हो या नहीं, आखिरी बार वो खुद को रोकती है तुमसे प्यार करने से। तुम्हें यह लड़की को यकीन दिलाना होगा तुम उसका साथ दोगे, उसे प्यार करोगे, तुम्हें उसे वादा करना होगा, कसमें खानी होगी वो तुम्हें प्रपोज कर देगी।